Hello dear student, I am your science guide and today I am going to teach you nutrition in amoeba. In uh, my first part, I have taught you about the simple steps of nutrition in all animals. Today we will see the steps of nutrition in amoeba. Amoeba. Amoeba is a unicellular microorganism. अमीबा क्या है एक एक कोशी के बॉडी मतलब होती है वो न्यूक्लियस एंड द सेल एंड सारी बॉडी होती है इट इज फीड अपॉन माइक्रोस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी बैक्टीरिया एंड एंडिंग फूड पार्टिकल्स अमीबा जो होता है वो अपने भोजन के लिए अपने ही समान अन्य सूक्ष्मदर्शी जीवों के ऊपर डिपेंड uh, करता है इट इज एन ओमनिवर्स ऑर्गेनिज्म ये ओमनीवर्स ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब ये अपने भोजन के रूप में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजॉइक होलोजॉइक इज अ ग्रीक वर्ड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स होलो एंड जॉयकॉस ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है होलो और जॉयकॉस होलो का मतलब होता है होल जॉयकस का मतलब होता है ऑफ एनिमल्स डेफिनेशन ऑफ द होलो इज इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड और न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म दैट टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी इसका मतलब यह है कि होलोजॉइक प्रोसेस उन एनिमल्स के अंदर या उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो अपने भोजन के रूप में ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं द ऑर्गेनिज्म हु टेक सॉलिड और लिक्विड food particles in their body. The mode of nutrition is holozoic. Now we will see these steps of nutrition. In amoeba, the process of obtaining food is termed as phagocytosis. अमीबा के अंदर भोजन को अप्टेन करने का ये भोजन को ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है उसे फेगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है. Means captured of food into food vacuole. अपने भोजन को फूड वैक्यूल के रूप में अपने फूड को फूड वैक्यूल के रूप में अपनी बॉडी में कैप्चर करना ये प्रोसेस क्या कहलाता है फैगोसाइटोसिस कहलाता है नाउ वी विल सी अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट इंजेशन व्हाट इज इंजेशन यू नो वेरी वेल अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करना यानी इन टेक ऑफ फूड इन द बॉडी इज नोन एज इंजेशन नो माउथ इन अमीबा अमीबा के अंदर कोई भी माउथ नहीं होता मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता जहाँ से वो अपने भोजन को इनटेक कर सके इंजेशन में अकर और एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अमीबा की बॉडी में भोजन का जो ग्रहण करना होता है यानी इंजेक्शन होता है वो किसी भी पार्ट से हो सकता है दिस इज द अमीबा दिस इज न्यूक्लियस और ये अपने भोजन को यहाँ से भी इनटेक कर सकता है यहाँ से भी कर सकता है यहाँ से भी कर सकता है यहाँ से भी कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल वैन अमीबा कम इन कॉन्टेक्ट विथ इट्स फूड द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सबसे पहले जैसे ही अमीबा अपने फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है दिज प्रोजेक्शन नोन है सूडोपोडिया और ये जो ये जो प्रोजेक्शन होते हैं इन्हें हम सुडोपोडिया के नाम से जानते हैं लाइक दिस, दिस इज द फूड पार्टिकल अमीबा अपने फूड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्शन होते हैं और ज्यादा एक्सटेंड होते हैं और अपने फूड पार्टिकल को घेरना शुरू कर देते हैं अमीबा एक्सटेंड सुडोपोडिया एज अ सॉर्ट ऑफ फूड कप अराउंड द फूड पार्टिकल अमीबा अपने सूडोपोडिया को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर लेता है कि वो उस अपने फूड पार्टिकल के चारों ओर एक कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है ताकि जो उसका जो फूड पार्टिकल है वो उसके अंदर कवर हो जाए और निकल कर जा ना पाए फूड कप द फूड पार्टिकल्स एंड क्लोजेज ऑन इट्स अदर साइड अमीबा जो होता है वो अपने फूड पार्टिकल्स को इस तरह से कवर कर लेता है और बॉडी के अंदर उसको कर लेता है। मेम्ब्रेन एट द पॉइंट डिजॉल्व एंड फूड पार्टिकल्स अलोंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड इन द सेल लाइक अ बैग। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिस पॉइंट से फूड अंदर गया उस पॉइंट से दोनों सूडियो की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है और ये जो फ़ूड पार्टिकल होता है ये वाटर के एक ड्रॉप के साथ मिलकर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं मेम्ब्रेन एट द पॉइंट डिजॉल्व एंड फूड पार्टिकल्स अलॉन्ग ड्रॉप ऑफ वाटर इज एन इनटू इन टू द सेल लाइक अ बैग और दिस बैग इज नोन एज फूड वैक्यूल नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन इस फूड वैक्यूल के अंदर अब भोजन का डाइजेशन जो है वो चालू हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इनसाइड द फूड वैक्यूल भोजन का जो डाइजेशन होता है फूड का जो डाइजेशन होता है वो अमीबा के अंदर इस फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है इनसाइड द फूड वैक्यूल फूड गेट्स डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर ये जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है दे आर एमाइलेज लाइपेज प्रोटीनेज, डाइपैप्टाइटिस ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये फूड पार्टिकल के कॉम्प्लेक्स फू मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिकूल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स के ऊपर रिएक्शन करते हैं और इस फूड पार्टिकल्स के जो जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणु में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो सरल अणु है वो बॉडी की एक्टिविटीज में यूज हो सके। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन अमीबा में जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसे इंट्रा सेलुलर यानी कि अंतरा के पाचन भी कहा जाता है क्योंकि ये सारा पाचन एक कोशिका के अंदर कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्ब्शन

साइटोप्लाज्म में जाने वाला जो फूड uh, होता है वो सेल की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट uh, करने में यूज होता है लास्ट स्टेप इज इजेशन यू नो वेरी वेल वॉट इज एजेशन आप सभी अच्छे से जानते हैं एजेशन क्या होता है एजेशन इज द आउटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल फ्रॉम द बॉडी मीन्स एक्सक्रीशन फूड वैक्यूल के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो भी अपचा हुआ पदार्थ है उसका बॉडी में से बाहर आना ही क्या कहलाता है इजेशन कहलाता है देयर इज़ नो एनस इन अमीबा अमीबा के अंदर कोई एनस नहीं होता इजेशन में अगर एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एजेशन जो होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल जो भी अपचा हुआ पदार्थ होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही रह जाता है एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी और जो फूड और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये बॉडी के बाहर बाहर निकाल दिया जाता है दिस इज़ द बॉडी ऑफ अमीबा इट इज़ न्यूक्लियस इट इज़ फूड वैक्यूल एंड इट इज़ द अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो साइटोप्लाजो में अब्जॉर्ब हो चुका है अब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है अब ये जो फूड वैक्यूल होती है वो धीरे धीरे सेल मेम्बर के करीब आती जाती है और अमीबा की बॉडी से कहीं से भी बर्स्ट हो जाती है और ये जो वेस्ट मटीरियल है ये बॉडी के बाहर आ जाते हैं इस तरह से अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है लेट अस गिव लास्ट लुक ऑन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दिस इज न्यूक्लियस दिस इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज साइटोप्लाज्म दिस इज द फूड पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट अमीबा अप्रोचिंग द फूड पार्टिकल अमीबा धीरे धीरे अपने फूड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है फूड पार्टिकल uh, अभी जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये धीरे धीरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सुडोपोडिया के नाम से जानते हैं ये जो सुडोपोडिया होते हैं ये फूड पार्टिकल को चारों ओर से घेर करके फूड वैक्यूल बनाते हुए अमीबा की बॉडी के अंदर प्रवेश कराएंगे दिस इज द फूड वैक्यूल दिस इज फूड पार्टिकल इन दिस डायग्राम यू कैन सी वेरी वेल एंगल फूड पार्टिकल जो फूड पार्टिकल है उसको uh, in, निकल निकल लिया गया है वो बॉडी के अंदर आ गया है फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स दिस इज़ द फूड वैक्यूल और इसके अंदर फूड पार्टिकल है और ये जो फूड वैक्यूल है ये अमीबा के साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रही है और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा मतलब इस फूड पार्टिकल के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फूड वैक्यूल में से होते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और जो अनडाइजेस्टेड फूड uh, है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर में ही रह जाएंगे और ये जो फूड वैक्यूल है ये अमीबा की बॉडी के किसी भी पार्ट पर आकर या तो इस तरफ या इस तरफ ये इस तरफ आकर के बस्ट हो जाएगी बस्ट होते ही ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं इस तरह से अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट आई होप यू लर्न वेरी वेल द न्यूट्रिशन इन अमीबा इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स थैंक यू